आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग दूसरों का ख्याल तो रख पाते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। कभी डायबिटीज़, कभी किडनी फेल, तरह तरह की बीमारियों का सामना कभी कभी करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। एक ऐसे डॉक्टर है परिचय का मोहताज नहीं है, पूर्णिया में फेमस डॉक्टर साहब हैं ये, डॉक्टर विजय राघवन सर। आज इनसे बात करते हैं कि अगर किडनी फेल हो जाए या डायबिटीज़ है तो इन सब बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डायबिटीज़ पे है, तो डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं। जी सर, आपका स्वागत है इस चैनल में। तो डायबिटीज़ के बारे में जो सवाल है वह डायबिटीज़ कैसे होता है? डायबिटीज़ के बारे में एलोपैथिक विज्ञान के तहत ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। यदि आपके पिताजी को है तो बच्चे में ट्रांसफ़र होगा। ये इसको जेनेटिक डिजीज़ और लाइलाज डिजीज़ करके इसको माना जाता है एलोपैथिक विज्ञान में, जो कि टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कोई साइंस, इसके पीछे कोई साइंस भी नहीं है। और सच यही है कि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है, यही सच्चाई है। कुछ ऐसे डॉक्टर साहब हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, ये एलोपैथिक दवाई से कंट्रोल तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, ये जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं इसको जेनेटिक मानते हैं और ये वंशानुगत मानते हैं, और इसी वजह से क्योंकि इसकी किताब में ही लिखी हुई है, हर एक डॉक्टर यही मानते हैं, जो कि टोटली फॉल्स है। और अभी लेटेस्ट रिसर्च में, मैं एलोपैथिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक के रिसर्च में ये पता चला है कि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि खान पान से होता है, ये भोजन रिलेटेड डिजीज़ है, और यदि ये मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट हो तो ये बिल्कुल क्योरेबल है। ये आज की डेट में मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ एक होता है जो बहुत रेयर होता है। डायबिटीज़ में भी प्रकार होते हैं? डायबिटीज़ में भी प्रकार होते हैं। एक टाइप 2 डायबिटीज़, 99% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब जो भी देखते हैं डायबिटीज़ सब टाइप 2 डायबिटीज़ है। बहुत रेयर डायबिटीज़ एक होता है टाइप 1 जो बच्चों में होता है, वो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ माना जाता है लेकिन वो भी जेनेटिक नहीं है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन बहुत रेयर होने की वजह से उस पर बहुत कम चर्चा होती है। अच्छा, अगर डायबिटीज़ अगर जिन लोगों को हो जाता है तो वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे, और अगर कोई डायबिटीज़ में परेशानी आती है, कोई डिजीज़ ऐसा जो उनको सिम्टम दिखता हो, तो वो पहले क्या करेंगे? देखिए, डायबिटीज़ में सबसे पहले भोजन में परिवर्तन लाएं। सबसे पहले वो अपने भोजन में फल सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, कच्ची चीज़ ज़्यादा खाएँ, और वैरायटी फूड का वैरायटी को बढ़ाएं। जैसे आप जैसे कि देखते होंगे डायबिटीज़ का मरीज प्रायः रोटी सब्जी, रोटी दाल, दूध भात, दूध रोटी ऐसे खाता है, ऐसे नहीं खाना है। आपको भोजन में मल्टीपल चीज़ को ऐड करना है। जब आप मल्टीपल चीज़ को ऐड करेंगे तब आपके बॉडी में डेफिशिएंसी कम से कम होगी। खास करके कच्ची चीज़ खाएंगे तो आपको बॉडी में विटामिन सी वगैरह भी काफ़ी मात्रा मिलेगा, और यही डायबिटीज़ का उपचार है। प्लस डायबिटीज़ में हम लोग जो उपचार करते हैं उसमें कुछ हर्ब्स और कुछ मेटाबॉलिक मेडिसिन बनता है, वो दिया जाता है, तो वो भी बेसिकली सप्लीमेंट है और आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। प्लस एक और खास बात इस बैक में है कि लोग बहुत कुछ खाते तो हैं लेकिन उसके बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, तो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने की दवा दी जाती है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन शरीर में हो। नहीं सुनते हैं कि खा पी तो रहा है लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है, तो वो लगने की वजह है कि आपका इंटेस्टाइन में डाइजेशन का सही प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये मेन बात है। अच्छा, हमने मेटाबॉलिक उपचार का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हालांकि इससे पहले एलोपैथिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और होम्योपैथ उपचार, ये इन सबों का नाम सुना है, लेकिन ये मेटाबॉलिक उपचार क्या है और कैसे होता है? देखिए, इंडिया में और विदेश में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका वगैरह डेवलप कंट्री है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। वहाँ पर लोग क्या करता है कि यदि उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है वो खुद ही रिसर्च करना शुरू करता है। तो वहाँ पर जो डायबिटीज़ पर रिसर्च हुआ वो जनरल आदमी ने रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों ने जिसको डायबिटीज़ था उन्होंने रिसर्च किया साइंटिफिक, और उसको उन्होंने मेटाबॉलिक चिकित्सा नाम दिया। बेसिकली वो मेटाबॉलिक चिकित्सा इंडिया के नेचुरोपैथी साइड से ही ज़्यादातर कंसेप्ट लिया गया था उसमें, और उस मेटाबॉलिक चिकित्सा के तहत डायबिटीज़, कैंसर, किडनी फेलियर, बहुत सारे रोग का क्योर खोजा गया, और ये सभी बीमारी क्योरेबल है आज के डेट में मेटाबॉलिक चिकित्सा के तहत। डायबिटीज़ में जिन लोगों का किडनी फेल हो जाता है
तो उनका बचाव कैसे हो? देखिए, डायबिटीज में यदि किडनी फेल होता है या किसी भी वजह से किडनी फेल होता है तो मेटाबॉलिक चिकित्सा में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे कि किडनी के छकनी, जो किडनी का जो फिल्टर है, किडनी के अंदर जो छाँकने का जो परत है, वहाँ से कचरा को हटाया जाता है। जैसे चाय की छलनी जो होती है, जो जाम हो जाने के बाद उसको हम लोग साफ करके दोबारा करते हैं, उसी टाइप से। लेकिन एलोपैथ में क्या भ्रम फैला दिया गया है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। सोचिए, यदि किसी का किडनी खराब हो जाए तो वो कहाँ से किडनी लाएगा? कोई बाजार में तो मिलता नहीं है। हर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि ट्रांसप्लांट कराओ। मान लीजिए चाय का छकनी है, छकनी जाम हो गया तो आप चाहे तो फेंक भी दे, नया छकनी खरीद लें, लेकिन किडनी में तो ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो आपको तो किडनी आपके लिए बहुत जिंदगी का मतलब मौत का सवाल है सीधा सीधा। यदि आपका किडनी फेल हो गया है तो आपकी मौत होने वाली है। लेकिन यदि कोई तरीका है जिससे उसको वापस ठीक किया जा सकता है, वैसे तरीकों को प्रमोट किया जाना चाहिए। एलोपैथिक में शो नहीं किया जाता है। एलोपैथिक में उस तरीके को प्रमोट किया जाता है जहाँ आमदनी ज़्यादा हो। ट्रांसप्लांट में ज़्यादा पैसा मिलता है, डायलिसिस में लोग जमीन ज़्यादा बेच के इलाज कराते हैं, इसीलिए उसको प्रमोट किया जाता है। अदरवाइज कुछ नहीं है। एलोपैथिक में भी ये इस विज्ञान का, मेटाबॉलिक चिकित्सा का बहुत रोल है। बहुत सारे डॉक्टर अपना इलाज, अपने खुद का इलाज, अपने परिवार का इलाज इसी चिकित्सा से कराते हैं, लेकिन मरीज को नहीं देते हैं ये चिकित्सा। ये व्यापारीकरण का एक एकदम बहुत ही गंदा उदाहरण है ये। हाँ, इससे गंदा उदाहरण व्यापारीकरण का आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें कि आदमी को मरते वक्त भी ये नहीं बताया जाता कि बीमारी ठीक कैसे हो। यही कहा जाता है कि बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता, आपकी मौत होनी ही होनी है, और बेचारा मरीज मर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आप लोगों ने देखा भी सुना भी कि आपको अपने सेहत का ख्याल कैसे रखना है, और इस तरह की अगर कोई परेशानी आपको है तो आप हमारे चैनल पर कॉमेंट करें और लिखें कि हाँ, हमें ये परेशानी है, फिर हम अगले वीडियो में उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। आदाब, नमस्कार।